नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने Realme के फ़ोन में नोटिफिकेशन ब्लॉक कैसे कर सकते हैं SMS का, या फिर SMS की नोटिफिकेशन सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कि लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं, या अपने जो सेंसिटिव कंटेंट होते हैं उसको हाइड कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको खोल लेना होगा मैसेज को, और यहाँ पे जाना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग पे चले जाना होगा। सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ये मिलता है लॉक स्क्रीन का। आप चाहो तो यहाँ से बंद कर सकते हो मैसेज का नोटिफिकेशन बंद यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से लॉक स्क्रीन से मैसेज हटा सकते हो, यहाँ से बैनर हटा सकते हो, जो बैनर ऊपर से पॉपअप करके आता है स्क्रीन पे, तो बैनर भी हटा सकते हो, और बाकी बबल्स यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बबल्स का मतलब है कि जैसे स्क्रीन पे कोई मैसेज आता है तो आपके स्क्रीन पे पूरा आ जाता है, यहाँ पे उसका फोटो आ जाएगा छोटा सा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, यहीं से रिप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो। तो यहाँ पे बबल्स आपको एक्टिवेट रखना है, डिजेबल रखना है, आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे बैजेज होता है, यानी कि जो अब ये ऐप आइकन होता है इस पर एक रेड डॉट लग जाएगा इसके अंदर कोई मैसेज आएगा तो। ओके, तो मैं यहाँ पे डॉन शो कर देता हूँ। और यहाँ पे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, यही इसी की बात करने वाला था मैं यहाँ पे। जैसे कि अगर आप लॉक स्क्रीन पे मैसेज चाहते हो, लॉक स्क्रीन पे मैसेज अगर आ जाता है आपका, लेकिन आप इसको इनेबल कर देते हो तो मैसेज दिखता नहीं है आपका, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर की वो हाइड होता है, और यहाँ पे सिर्फ ये पता चलता है कि व्हाट्सअप से मैसेज आया है जी, यहाँ से मैसेज आया जी। अब यहाँ पे इनकमिंग मैसेजेज, अगर आप चाहते हो कि इनकमिंग मैसेजेज को बंद कर दिया जाए, जैसे कि नोटिफिकेशन ड्रॉअर में ना शो करे, यह है नोटिफिकेशन ड्रॉअर, आपका स्टेटस बार में ना शो करे, आप बनर नहीं आए, लॉक स्क्रीन पे नहीं आए, रिंगटोन ना, वाइब्रेशन ना हो, तो आप इसको बंद कर सकते हो। बाकी सिस्टम डिफॉल्ट चैनल्स का भी आप बंद कर सकते हो, अदर नोटिफिकेशन। इन दोनों का मतलब ये होता है कि जैसे कि बाकी के सर्विस मैसेजेस होते हैं, एप्लीकेशन के मैसेजेस होते हैं, तो इसके रिगार्ड्स आप इसको भी आप बंद कर सकते हो। बाकी सेम चीज़ है, ये सारे जो यहाँ पे है वही सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।